मोटी पता है मोटी मोटी है नहीं ये मोटी पतली हो गई बहुत प्यारी मेहंदी लग रही है भाई जाओ देखो दादाजी बुला रहे हैं ना बेटा दोस्तों हमारे जो गेस्ट हैं जिनके यहाँ शादी है वो होटल में आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे हमारे काका ससुर की बेटी की शादी अटेंड करने आए हैं, तो हम लोग बस उन्हीं से मिले, होटल रूम में आए थे और दुल्हन को देखकर पाही भी मेहंदी लगाने की ज़िद करने लगी लेग्स में, तो मैं उसे मेहंदी लगा रही हूँ और फिर कल से शादी के फंक्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो बस अब हम जा रहे हैं अपने घर। हेलो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं होटल में। आज रिंग सेरेमनी है शाम के समय में, तो कल जो हमारे गेस्ट थे वो आ चुके थे यहीं होटल में, उन्होंने स्टे किया। आज मॉर्निंग में पूरी वक्त कुछ पूजा है और वो लोग पूजा करने गए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे लंच होगा, फिर रिंग सेरेमनी शाम को होगी, कल शादी है। तो बस हम लोग होटल में आ चुके हैं रेडी होकर के। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए, सिर्फ यहाँ पे लंच था हमारा दिन में, तो बस हम लोग आ गए थे ऐसे ही, ज़्यादा रेडी वेडी तो नहीं हुए थे, मैं तो ऐसे ही सूट डालकर आ गई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया, थोड़ा बहुत ऐसे ही फ़ोटोशूट किया, फिर बस हमारा दोपहर में ये चलता रहा। फिर हम लोग तुरंत एक डेढ़ घंटे बाद घर चले गए थे, कुछ रिलेटिव्स के साथ हमने ऐसे ही फ़ोटोशूट किया हॉल में जहाँ पर रिंग सेरेमनी होने वाली थी। हमारे जेठ और जेठानी हैं तो इनके साथ भी हमने फ़ोटोशूट करवाया और फिर हम लोग रिंग सेरेमनी के लिए रेडी होके हॉल में एंटर हो रहे हैं, होटल में आ चुके हैं। बस अब रिंग सेरेमनी की तैयारियां चल रही है, मेरी सासू माँ जो है वो रंगोली डाल रही हैं, हमारे यहाँ तिलक समारोह होता है रिंग सेरेमनी से पहले, तो बस उसी की तैयारी ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और पाही भी बीच बीच में बस अपनी दादी की मदद कर रही है। हॉल में सभी रिश्तेदार हमारे इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी 100 लोग तो हो ही गए थे लगभग, तो काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से फंक्शन हुआ। हम लोग सब यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों इस शादी में हमें बहुत मज़ा आया, हमारे सारे रिलेटिव से मिलने को मिला और ये है हमारी बहुत ही खूबसूरत दूल्हा और दुल्हन, मेरी नन और नंदोई। जैसा मैंने बताया चाचा ससुर की बेटी की शादी में आए हैं तो ये वही है। फिर हमारा यहाँ पे रिंग सेरेमनी के बाद तिलक के बाद डिनर शुरू हो गया था, तो बस हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे थे। और दोस्तों इस होटल में खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा खाना था, इन्होंने हर चीज़ का बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा खासा हमारा इंजॉयमेंट हो गया। और बस यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, अब आगे आप देखिए। दोस्तों शाम को जब रिंग सेरेमनी हुई उसके बाद में हल्दी का फंक्शन था, तो बस ये कुछ रीति रिवाज चल रहे थे हल्दी के, संगीत डांस वगैरह, तो उसी के मैंने कुछ रिचुअल्स के फोटो आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए। तो बस यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे रीति रिवाज थे और हम लोगों को करने थे, इस वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी बिज़ी हो गए थे, तो बस यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो ही शूट किए। और ये आप मेरी मेहंदी देख लीजिए कितनी प्यारी रची है ना, बहुत ही अच्छी, बल्कि मैंने 2 से 3 घंटे ही रखी थी, फिर हैंड वॉश कर लिया था, लेकिन फिर भी मेहंदी बहुत अच्छी रची है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए थे जब हम एंटर हुए थे हॉल में। पाही ने भी बहुत इंजॉय की है अपनी बुआ जी की शादी, और ये दुल्हन है हमारी, हल्दी के फंक्शन के बाद हमारे साथ बैठे गप्पे मार रहे थे हम लोग सभी, हमारी बच्चा पार्टी, मेरे ननंद के बच्चे, मेरे जेठानी के बच्चे यहाँ पर हैं और पाही, ये पूरी हमारी फैमिली पिक्चर है। फिर बहुत सारा डांस किया हमने।